आप देख रहे हैं एस टीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है ये फरीदाबाद में होने जा रहा है। ये एक्चुअली हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें सीखने के लिए। उनको वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन भी होगा और अलग अलग स्टेट्स से अलग अलग बच्चों के साथ इंटरेक्ट होगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, सब के बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे बच्चों को, जो लद्दाख एरिया के इतने दूर दराज के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिला। हम उनके बहुत थैंकफुल हैं। और हमारे यहाँ से 12 बच्चे जा रहे हैं करगिल डिस्ट्रिक्ट से, 6 गर्ल्स है उसमें और 6 बॉयज़ है। तो हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और थैंक यू सर। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहा होगा, किस प्रोसेस पे आप लोगों ने सिलेक्शन किया? सर वो एग्ज़ाम हुआ था विज्ञान भारती, तो उसके बेसिस पे हुआ था सर। क्या फर्स्ट टाइम यहाँ से बच्चे बाहर? नहीं, इससे पहले एक बार हुआ था, वो भोपाल इंडिया में हो गया था। जी सर, गवर्नमेंट बहुत ओनली बहुत सर बहुत सर जी है जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। माय नेम इज़ उमुल बनीन और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ आईआईटी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रिस्पॉन, और मैं रिस्पॉन के रहने वाली हूँ। एंड मैं इस टूर के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ साथ साथ में, क्योंकि ये पहली बार है ऐसी एक्सपोजर टूर के लिए। एंड वहाँ जाके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पहली बार है तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं थैंकफुल हूँ कि विवाह के लिए थैंकफुल हूँ जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम ऐसी एक्सपोजर टूर के लिए जाएं और वहाँ से कुछ सीखें। और दैट्स इट सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कनीस फातिमा है और मैं अभी करंटली 10th स्टैंडर्ड में हूँ और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लंकुर पे। सो अभी हम लोग दिल्ली में, फरीदाबाद में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं विभा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि हम वहाँ पे जाए और डिफरेंट साइंटिस्ट से इंटरेक्ट करें और डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट स्टूडेंट से हम इंटरेक्ट करें। मैं खुद को लकी फील करती हूँ कि मुझे ये फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। और मैं हमारे कोऑर्डिनेटर्स और टीचर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू। थैंक यू। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बहुत सारे इसमें मिनिस्ट्री मिलकर और साथ में विज्ञान भारती के साथ कोऑर्डिनेशन में ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हर साल मुनक्किद होता है। तो इस बार भी इसी तरह से 17 तारीख से ये फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हो रहा है। तो ये 4 दिन का प्रोग्राम है और 20 तारीख तक हमारे बच्चे उसमें हिस्सा लेंगे और 21 तारीख को ये लोग वहाँ से वापस आ जाएंगे प्रोग्राम ख़त्म होकर। तावन की वजह से कुछ बच्चे जो है दिल्ली और फरीदाबाद साइंस एग्जीबिशन पे भेज रहे हैं। हमें उम्मीद है कि साइंस एग्जीबिशन से हमारे बच्चों को काफ़ी साइंस से रिलेटेड और बाकी चीज़ों में काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, और इस एक्सपोजर को अगर हम आगे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है इससे एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी बूस्ट होगा। सर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से विंटर कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, तो बच्चों को किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे दी जा रही है स्पेशली विंटर के 3 महीनों में? देखिए, तकरीबन 20 दिन पहले से विंटर रेजिडेंशियल क्लासेस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल दोनों मिल के शुरू किया है, जिसमें आपके 10th और 12th के वो बच्चे जिनको फर्स्ट टाइम CBSE एग्ज़ाम फेस करना है, ये फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड किया गया है। इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि बच्चों को इस साल CBSE में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करने का हम मौका फराहम कर सकें। जहाँ जहाँ विंटर रेजिडेंशियल क्लासेस हमने शुरू किया है वहाँ LHDC और UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर स्कूल में विंटर फ्रेंडली क्लासेस हमने 5 दिन के अंदर इनको तैयार करके दिया हुआ है, और हमें उम्मीद है कि ये वाला सिस्टम जो है
ठीक है, आने वाले कल में भी शुरू होगा। LHDC का कोशिश ये रहेगा कि जो आज सिस्टम रेजिडेंशियल के नाम से, रेमेडियल क्लासेस के नाम से शुरू किया है, वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में हम मिड अगस्त से शुरू करना चाहता है। इससे मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम जो डिरेल हो चुका था, वो एजुकेशन सिस्टम को फिर से ट्रैक पे लाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगा। और मैंने खुद, मैं अभी भी मतलब स्कूल टू स्कूल अभी भी मैंने विज़िट किया, मैंने और कंटिन्यू है स्कूल टू स्कूल विज़िट। मैंने अमूमन बच्चों से पूछा, बच्चों से मिला, स्टाफ से मिला, पेरेंट्स से मिला, वो सब इस विंटर रेजिडेंशियल क्लास से सेटिस्फाइड है और बच्चे जो है काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये मेहनत जो है आपके आने वाले CBSE रिजल्ट में ज़रूर रंग लाएगा और हम सिस्टम को बदल के रखेंगे, हमें उम्मीद है। थैंक यू।